एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी सोनी। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक नई डिश जिसका नाम है वेज मियोनी सैंडविच। और चलिए अब हम आपको आज बताते हैं कि हम कैसे वेज मियोनी सैंडविच बना सकते हैं क्रेजी सोनी के साथ इस क्रेजी किचन में। आइए, अब हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वेज मियोनी सैंडविच में। हम बहुत सारी वेजिटेबल्स भी इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, बट मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ टमाटो, कैप्सिकम एंड अनियंस लिए हैं। और आप इन्हें बहुत बारीक बारीक करके चॉप कर सकते हैं, या तो आप चॉपर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल अपने हाथ से इन्हें कट कर सकते हैं बारीक बारीक। और मैंने जो इन्हें हम ग्रिल करेंगे तो उसके लिए आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें अभी ऐड करूँगी वो है ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, मेयोनीज, टमाटो केचप और थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे ब्रेड भी यूज़ कर लिया है, मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है। आप चाहे तो वाइट ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इस ब्रेड में फिलिंग करने के लिए सारी वेजिटेबल्स एक बाउल में ऐड कर लेंगे। अनियंस, कैप्सिकम, टमाटो। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज, 3 टेबलस्पून ऑफ मेयोनीज यूज करते हैं इसमें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप, 2-3 स्पून मैंने यहाँ पे टमाटो केचप यूज किया है। हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर यूज किया है और थोड़ा सा इसे स्पाइसी करने के लिए इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी। और अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि इसकी स्टफिंग बहुत अच्छे से हो ब्रेड में। अगर आप इसमें पहले से सॉस ऐड कर लेते हो टमाटो केचप तो आपको अलग से यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है खाने के लिए। देखो आप, ये अभी इस टाइम पे तैयार है फिलिंग के लिए पूरा अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ब्रेड्स लेती हूँ और हम ब्रेड्स के अंदर इसे फिल करना शुरू करते हैं। अच्छे से मैंने पूरी ब्रेड को अच्छे से इस फिलिंग से कवर कर दिया है। अब हम इसे एक और ब्रेड से पूरा, ये हमारा एक सैंडविच अभी स्टफिंग करके तैयार है। ऐसे ही हम और भी सैंडविचेस तैयार कर लेते हैं। ये सारे सैंडविचेस तैयार कर लिए हैं इनकी फिलिंग करके, अब हम उन्हें ग्रिल कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे इसे ग्रिल करने के लिए ग्रिलर पैन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो ग्रिलर भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। और अभी मैंने गैस ऑन कर दी है और अभी मैं इसे थोड़ा गर्म होने देती हूँ, उसके बाद मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। अब हम इसमें अच्छे से घी लगा देते हैं जिससे कि हमारे जो सैंडविचेस हैं वो एकदम क्रिस्पी हो जाएं और उनका अच्छा टेस्ट आए। हम ये सैंडविच इसमें रख देते हैं और ऊपर से भी आप इसके घी ऐसे लगा दीजिए जिससे दोनों साइड से अच्छे से ग्रिल हो जाए। थोड़ा ऐसे करके प्रेस कीजिए जिससे अच्छे से ये पूरा ग्रिल हो जाए। मैं
मैंने जो गैस है वो मीडियम फ्लेम पे किया हुआ है, क्योंकि अगर आप गैस को हाई फ्लेम पे रखोगे तो ये जल भी सकता है और ये इतना क्रिस्पी भी नहीं होगा, तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं आराम आराम से। अब हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा पलट के ये हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा सैंडविच इधर से ग्रिल हो चुका है, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और डार्क हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो आप इसे एक बार और फिर से थोड़ा सा ग्रिल कर सकते हैं दूसरी साइड से, क्योंकि दूसरी साइड से ग्रिल हुआ है या नहीं हुआ है, ये अच्छे से ग्रिल हो चुका है, लेकिन मुझे ये साइड थोड़ा लग रहा है कि मुझे और ग्रिल करना चाहिए, तो मैं इसे फिर से पलट देती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से मैंने ग्रिल कर दिया, ये बहुत क्रिस्पी भी होगा और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होगा। ये अब अच्छे से ग्रिल हो चुका है और अब हम इसे प्लेट में निकाल देते हैं। और मैं यहाँ पे ये कटर यूज़ कर रही हूँ, इसे बीच में से हम ऐसे कट कर देते हैं। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। देखिए हमारे सैंडविचेस ऐसे दिखाई देंगे ग्रिल होने के बाद, और टेस्ट के लिए अब अभी हम आपको बताएंगे। गाइस हमारे वेज मेयोनीज सैंडविचेस तैयार, और आप देख सकते हैं देखने में भी कितने टेस्टी और यम्मी दिख रहे हैं, और आप खाओगे तो आप मुझे पक्का बताना कि आपको कैसे लगे। और मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया और विद गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे जिंजर टी बहुत पसंद है और मैं इसे चाय के साथ ही सर्व करती हूँ। अब मैं आपको इसे रिव्यू करके बताती हूँ कि कैसा बना है, और मैं इसमें थोड़ा सा सॉस के साथ खाती हूँ। बहुत टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी भी है, आप लोग भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हो। देखिए कितना यमी है ये दिखने में, और मैं इसे अपनी चाय के साथ ले रही हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट भी करके बताना कि आप ये सैंडविचेस किसके साथ लेना पसंद करेंगे, जूस, शेक, कोल्ड ड्रिंक या फिर। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और ये डिश आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने घर पे भी ट्राई कीजिए कि आप सबको कैसी लगी। और उसके बाद आपको पता है कि क्या करना है, मेरी सारी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बहुत सारा सपोर्ट करना है, और एट दी एंड आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साइड में जो बेल आइकन है वो टर्न ऑन करना है फॉर द फ्यूचर वीडियोस, कि आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरी न्यू डिशेस की वीडियोस देखते रहे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।